अस्सलाम वालेकुम जी, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने एक पॉइंटर पपी लेना है तो उसको ख़रीदते वक्त कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपके जहन में होनी चाहिए। जैसा कि मैंने ये एक नई पपी पिछली वीडियो में इंट्रोड्यूस करवाया था जिसका नाम जैनी है और ये फ्रिंजी ब्लड लाइन से है जो कि पॉइंटर्स में बहुत मशहूर ब्लड लाइन है। तो इसे आए हुए तकरीबन मेरे पास जो है वो एक हफ़्ता होने वाला है। तो इसका मैं पहले आपको जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि एक हफ़्ते में हमारा इसका साथ जो है वो कैसा रहा। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये कि इंतहाई प्लेएबल, बहुत ही खेल कूद करने वाला जानवर, बहुत फ्रेंडली और खिलौना, टॉय जिसे आप कहते हैं, खिलौना बिल्कुल। बच्चा मेरा आता है, उसने बड़ा इंजॉय किया इसके साथ, ये भी बड़ी जल्दी जो है वो अटैच हो जाती है। और इस ब्रीड के लिए जो सबसे मुश्किल काम है वो है एक जगह पर टिक के बैठना। जैसे मैंने अभी बताया, जब तक मैं प्यार कर रहा था बैठी हुई थी और जैसे ही मैंने जो है वो हाथ उठाया तो जो है वो उठ के चली गई है। तो आगे मैं अब आपको इसके पॉइंट्स बताता हूँ कि अगर आपने पॉइंटर लेना है तो उसे कैसा होना चाहिए। इतनी सबसे पहले तो जो है ये फेस देखें आप कि इसका फेस जो है वो इस तरह लंबूतरे उसमें होना चाहिए। आप देख लें आम पॉइंटर से या आम डॉग से जो है वो इसका मुँह जो है वो लंबा और लंबूतरा यू स्ट्रेट होना चाहिए, फनल की शक्ल में, एक बोतल की शक्ल में होना चाहिए। इसके अलावा सबसे आपने कोई भी डॉग लेना है तो आपने उसकी हड्डी वगैरह देखनी है कि हड्डियाँ मजबूत होनी चाहिए, जोर डॉग के जो है वो मजबूत होने चाहिए। तीसरा पॉइंटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इसकी टेल है, इसको डंग टेल कहते हैं। ये पीछे से जो है वो यूँ मोटी और जो है यहाँ शुरुआत जो है यहाँ से मोटी और आगे उसे यूँ पतला होना चाहिए। अच्छा, अब बाज़ का जिस तरह कोई नया डॉग रखने वाला बंदा है वो मुझसे सजेशन लेता है जी कौन सी ब्रीड लूँ, या वो मुझसे पूछता है जी मुझे एक अमेरिकन पिटबुल या मुझे गुलटेर मिल रहा है मैं रख लूँ, मैं उसे मना करता हूँ। उसकी वजह यह है कि नए बंदे की ये ब्रीड्स नहीं है। नए बंदे को हमेशा वो डॉग रखना चाहिए जिसमें कोई बहुत ज़्यादा ताकत ना हो या जो बहुत ज़्यादा नुकसान ना करता हो, क्योंकि असलहा और डॉग दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप उन्हें हैंडल नहीं करना चाहते तो वो दूसरे से ज़्यादा आपके अपने लिए नुकसानदेह होती हैं। तो आपको लाजमी ये पता होना चाहिए कि आपकी कैपेसिटी क्या है और आपने किस तरह की चीज़ हैंडल रखने की सलाहियत है आप में। फिर चीज़ अच्छी क्यों लेनी चाहिए, बहुत बहुत चीज़ें सस्ती, फॉर एग्जांपल ये पपी है आप ढूंढने जाएंगे 40-50 हज़ार रुपये का भी जो है वो आपको मार्केट में मिल जाएगा। लेकिन महंगे डॉग्स या पेडिग्री डॉग लेने का मकसद ये होता है कि आपको पता होता है कि आप एक अच्छी चीज़ पे पैसे स्पेंड कर रहे हैं। आजकल एक अच्छा डॉग अगर आप पालने जाएं तो महीने के 17-18 हज़ार रुपए मिनिमम एक्सपेंस है डॉग का। तो आप इसे देखें कि अच्छा डॉग जो है वो तकरीबन एक साल में जाके मैच्योर होना थोड़ा बहुत शुरू होता है, तो आप एक साल को जो है 18 हज़ार से मल्टीप्लाई कर लें तो आप ये देख लें कि आप कितने बड़ी अमाउंट जो है वो उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। और अगर आपकी चीज़ सही नहीं निकली तो आपका सारा शौक और आपका सारा जो रखने का टाइम पीरियड है वो ज़ाया हो जाता है, इसलिए जो है वो फिर लोग जो है वो शौक भी छोड़ जाते हैं। अच्छा, मैंने जिस तरह जो है पहले ही बताया था कि डॉग शुड बी पेडिग्रीड, या एटलीस्ट उसका ब्लड आपको पता होना चाहिए कि उसके पेरेंट्स वगैरह की परफॉर्मेंस फील्ड में क्या है। अभी बच्ची देखें, इसका कोई काम नहीं है शिकार का, अभी बहुत छोटी सी है, एटलीस्ट 4-5 महीने बाद ही शिकार शुरू करेगी, लेकिन अभी कुछ नए बर्ड्स आए हैं तो उनको देख के अटेंटिव होकर खड़ी हुई है, दिस इज़ ब्लड लाइन। अच्छा जी, जैसे कि मैं अभी जो है वो जिक्र कर रहा था आपसे कि हर ब्रीड हर बंदे के लिए नहीं होती। अब ये दिखने में बहुत बड़ा कुत्ता है लेकिन ये अभी सिर्फ 4.5-4.5 महीने का बच्चा है, ठीक है। वो जो पॉइंटर है कितनी छोटी सी बच्ची है और वो 2 महीने की है, और ये देख लें 4 महीने का बच्चा। अब कोई नया बंदा कभी भी, जो नया जिसने पहली दफ़ा डॉग रखना है, वो मुझसे पूछे कि जी आप डॉग रखें ये पाकिस्तानी बुली नस्ल है, तो मैं उसे कभी भी ये बात सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो ये ब्रीड रखे। क्यों? इसमें इतनी पावर है, इतना एग्रेशन है, और इसे कहीं ये बात पता लग जाए इस तरह की ब्रीड्स को कि मेरा मालिक मेरे से डर रहा है या मुझसे मतलब हेजिटेट कर रहा है, तो ये मालिक के लिए भी ख़तरनाक हो सकते हैं। इसके लिए आपको पूरा एक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये मेरे सामने अभी इस तरह खड़ा है क्योंकि ये मेरे से ज़रा डरता है और मैंने इसे कंट्रोल रखा हुआ है। अलावा अजी इसकी हरकतें बड़ी मुख्तलिफ हैं, तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि क्या कुछ ये करता है दूसरों के साथ। लेकिन ये है कि ऐसे डॉग रखने के लिए हमेशा आपको एक्सपीरियंस को होना बहुत ज़रूरी है। ये ज़िद नहीं कि नहीं जी मैं रखूँगा, मैं नहीं रख सकता, ऐसे नहीं। हमेशा आपको पता होना चाहिए कि आपने जो डॉग ब्रीड रखी हुई है
आप उसे संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते, और क्या उसका मकसद जो है वो आपके पास है या नहीं। अब ये भी छोटी जगह पे नहीं रह सकते, इनको प्रॉपर एक्सरसाइज चाहिए होती है, लंबी चौड़ी वॉक चाहिए होती है डेली, वरना इनकी हड्डियाँ जो है वो टेढ़ी हो जाती हैं। जिस तरह ये काट रहा है, ये बुनियादी तौर पर ये इसका खेल है। जब नया बंदे के हाथ में ये जो है वो इस तरह काटेगा, वो समझेगा वो इसे काट रहा है, लेकिन ये काट नहीं रहा, ये प्यार कर रहा है, इनका प्यार ही है। ये बड़ी ब्रीड है, इनका प्यार वो छोटी टॉय ब्रीड्स वाला जो है वो नहीं होता। तो ये जो ब्रीड्स हैं ये प्यार लविंग उतनी है, केयरिंग उतनी है, लेकिन थोड़ी सी इनकी ट्रेनिंग जो है बाकी कुत्तों से वो मुख्तलिफ है। इसलिए मुख्तलिफ है कि इनमें जान अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा दी है। ये 32-33 इंच का कुत्ता हो जाता है शोल्डर हाइट से, तो आप इसे वो सेम ट्रीटमेंट या वो सेम ट्रेनिंग नहीं दे सकते जो आप एक लैब्राडोर पॉइंटर या जर्मन शेफर्ड को दे रहे हैं। इनके लिए आपको स्पेशल अटेंशन, स्पेशल केयर और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो मिलेंगे जी अगली वीडियो में, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। डॉग से रिलेटेड कोई भी आपको क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़। Right?